हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर राउंड टू का जो टाइम टेबल आया है उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स थे राउंड टू में उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया है, वो क्या है वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट ड्यूरिंग राउंड टू आर अलाउ इन राउंड थ्री। तो यहाँ पर गाइस क्लियरली मैंशन कर दिया है जो राउंड टू में जो स्टूडेंट्स थे जिनको दिया गया था, मतलब राउंड टू फिल करने के लिए नहीं दिया गया था, इसके जो भी कुछ रीज़न रहेंगे, जैसे कि अगर आपका राउंड वन में फर्स्ट प्रेफरेंस था और आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था इसके लिए वजह से आपको राउंड टू में रिस्ट्रिक्शन लगे थे, या आपका फॉर्म लॉक वगैरह नहीं हुआ था, या जो भी डेट कोलैप्स होने के बाद या एडमिशन कैंसिल होने के बाद आप लोग ने राउंड टू का फॉर्म नहीं भरा था, उन सभी के लिए राउंड थ्री के लिए ये ओपन हो चुका है। तो रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये अभी अलाउ कर दिया है राउंड टू में जो रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके लिए। लेकिन अभी जो राउंड टू में जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस लगा था या जिन्होंने एडमिशन कैंसिल किया था, तो उनके लिए देखिए गाइस, एडमिटेड फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड एंड एडमिशन कैंसिल ड्यूरिंग राउंड टू विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर राउंड थ्री। तो जिन्होंने एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेजेस में या जिनका राउंड टू में फर्स्ट प्रेफरेंस था या जिन लोगों ने एडमिशन कैंसिल किया था, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको राउंड थ्री में फॉर्म भरने के लिए परमिशन नहीं दी गई है गाइस। तो ये बात याद रखिए, ये राउंड टू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और जैसे मैंने कहा कि राउंड वन में जिन लोग ने ये सब चीज़ें की थी उनको राउंड टू में नहीं दिया गया था और अभी राउंड थ्री में ये परमिशन दिया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। इसके अलावा और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।